नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। देश में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और प्रवासी मजदूरों को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। दिल्ली में बढ़ते कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन लग ही गया, इसीलिए दिल्ली से एक बार फिर पिछले साल जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सड़कों पर प्रवासी मजदूरों का सैलाब आ गया है, हर कोई बस अपने घर जाना चाहता है और यही वजह है कि रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डे तक प्रवासी मजदूरों से पटे पड़े हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मजदूरों को जिस बात का था डर वही हुआ, लगा लॉकडाउन, हुआ पलायन शुरू। दिल्ली की सड़कों पर भारी भीड़, प्रवासी मजदूरों को है लंबे लॉकडाउन का डर। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये छोटा सा लॉकडाउन है 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। कल सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन की घोषणा करते ही प्रवासी मजदूरों से हाथ जोड़कर अपील की थी कि ये छोटा सा लॉकडाउन है, दिल्ली छोड़कर मत जाइएगा। लेकिन सीएम की अपील का प्रवासी मजदूरों पर कोई असर नहीं दिखा और इसीलिए कल से ही दिल्ली की सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन का आज पहला दिन है, दुकानें, मॉल सब बंद है, लेकिन रेलवे स्टेशन और बस अड्डों के बाहर भारी भीड़ जमा हुई है। दिल्ली में सिर्फ 6 दिन का लॉकडाउन है पर मजदूरों को भरोसा नहीं है, सब कुछ जल्दी सही हो जाएगा। हर कोई खौफ में है और जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता है। बस अड्डों पर भारी संख्या में प्रवासी मजदूर घर वापस जाने के लिए उमड़ पड़े हैं। आनंद विहार बस अड्डे पर खूब भीड़ दिखाई दे रही है और गाजियाबाद के कौशाम्बी बस अड्डे से यूपी और बिहार जाने वाली बसें पूरी तरह भर चुकी हैं, जिसकी वजह से कोरोना के फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। भीड़ इतनी है कि लोगों को बसों पर लटक कर या बसों की छतों पर चढ़कर अपने घरों की तरफ जाना पड़ रहा है। ऐसे में हर किसी को ये डर सताने लगा है कि कहीं ये भीड़ कोरोना के खतरे को बढ़ा न दे। प्रवासी मजदूरों की इस भीड़ ने एक बार फिर पिछले साल के पलायन की यादें ताजा कर दी हैं। दिल्ली बॉर्डर पर बसों में यात्री ठसाठस भरे जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया है। ऐसे में वायरस कैरियर होने का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। लोग घर जाने के लिए प्राइवेट बसों के दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। देखिए किस तरह से ये एक बस आई है और लोगों के मन में कितना डर है कि बस आके खड़ी हुई है और देखिए भारी भीड़ इस बस में चढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन बस लोगों को इस समय एक चीज ही दिख रही है, वो ये अपना घर। लोगों के मन में सिर्फ और सिर्फ अपना घर नजर आ रहा है, उनकी आंखों के सामने उनका घर है, क्योंकि इनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये लोग जो है पिछले साल जिस तरह से यहाँ पे फंस गए थे, साल फंसना नहीं चाहते। इसीलिए देखिए हालात कितने खराब होते नजर आ रहे हैं, हालात कितने बेकार होते नजर आ रहे हैं कि लोगों के मन में इस कदर डर बैठ गया है कि ये लोग अपने घर जा रहे हैं और ये लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग को देख रहे हैं ना कुछ और देख रहे हैं। इन्हें कोरोना का डर नहीं है, इन्हें भूख से मरने का डर है और इसीलिए एक बस आके खड़ी हुई, भारी संख्या जो है बस की ओर दौड़ पड़ी ताकि इस बार जो है इनका नंबर आ जाए और इस बार ये अपने बस में बैठकर अपने घर चले जाए। दरअसल पिछले साल कोविड-19 महामारी के चलते कई चरणों में लॉकडाउन करना पड़ा था। दिल्ली में फिलहाल 6 दिन के लिए ही लॉकडाउन किया गया है, लेकिन प्रवासी मजदूरों को डर है कि इसकी मियाद बढ़ सकती है। कोरोना वायरस का जैसा प्रकोप है उसे देखते हुए ये मान रहे हैं कि लॉकडाउन लंबा चल सकता है, इसीलिए दिल्ली में रहकर परेशानी उठाने के बजाय वो अपने गांव निकल जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।